fight for my attention, for your attention, you must prove it. Cause if you can find it, you don't can find it, you let it move. Make way for the genie, scream for the dream, may come. सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ लुथरा और आप देख रहे हैं बंदूक वाले। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक टू माय 28,000 सब्सक्राइबर्स। ब्लशिंग रुक नहीं रही मेरी। तो आज हम बात करेंगे हमारी ओरिजिनल इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गन्स के बारे में, एंड मैं इनके बारे में बताने में बहुत एक्साइटेड हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये एक्चुअल में बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट्स गन है और इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि तो मेन रीज़न ये है कि ये इंडियन ऑर्डिनेंस की जो गन्स हैं, ये जितने भी पुराने मॉडल हैं ये तब की बनी हुई हैं, ये IUF टेस्टेड बिल्कुल भी नहीं, मतलब IUF टेस्टेड हैं पर ये मेड बाय IUF टेस्टेड हैं। लाइक बहुत सी गन्स होती हैं, जैसे अगर हम बात करें जो कि प्राइवेट कंपनियाँ हैं, वो क्या करती हैं कि वो लाइक बहुत से गन हाउस वाले हैं, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो ना प्राइवेट कंपनियाँ, जैसे ये मेड बाय राजपूत गन सर्विस की कंपनी की गन है ये, और लोग जो हैं इसको IUF की इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गन कह के बेचते हैं। और ये उसका मेन रीज़न ये है, ऐसा क्यों करते हैं और लोग कैसे, आई एम सॉरी टू से, कैसे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, इसका रीज़न है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री टेस्टेड। तो ये जो टेस्टेड वर्ड है ये आप ध्यान से पढ़ा करो, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री टेस्टेड। तो ये जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये इन गन को टेस्ट करती है, ना कि ये गन्स बनाती है। तो बेसिकली जो इंडियन ऑर्डिनेंस की ओरिजिनल गन्स हैं वो ये हैं, जो कि उनके 87 या 88 के बाद ये गन्स जो हैं वो मार्केट में नहीं मिली या नहीं आई, पता नहीं उसका क्या रीज़न था। तो ये गन्स जो हैं ये बेसिकली BSA इंग्लैंड डबल बैरल की कॉपी हैं, आप देख सकते हैं। तो ये गन्स जो हैं ये इंडिया की बेस्ट 12 बोर गन्स रह चुकी हैं और ये अभी तक बेस्ट है, इनका अभी तक कोई मुकाबला नहीं आया। उसका रीज़न क्या है कि इवन उसका रीज़न हमें खुद बताने की ज़रूरत नहीं, जो लोग इनको बाय करने आते हैं वही, उनको ऑलरेडी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ऑलरेडी उनको ही बहुत कुछ पता है इन चीज़ के बारे में। तो ये जो गन है ये काफ़ी हद तक दिखने में BSA इंग्लैंड डबल बैरल की तरह है। और इन गन्स की मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, ये बेसिकली आप कह सकते हो कि जो लोग शौकीन हैं डबल बैरल 12 बोर के, वो इसी चीज़ को प्रेफर करते हैं और बहुत से लोग इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं। अगर आप इनकी बैरले देख लो तो इनका जो मुकाबला है वो कोई और कंपनी कर ही नहीं सकती। और आपके सामने है, और इसमें दो मॉडल आते हैं, एक मॉडल तो ये आ गया बिना लाइनों वाला, और उसके अलावा फिर ये आ गया विद लाइन वाला मॉडल। और ये लोग, पता नहीं, लोग खुद बहुत, कोई भी आता है तो वो यही कहता है कि हमें इंडियन ऑर्डिनेंस की लाइनों वाला मॉडल चाहिए। तो मेन रीज़न, अभी तक मैं इन चीज़ों में काफ़ी नया हूँ और मैं इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो मैं बता दूँगा इसकी, इस चीज़ की जो रेंज है वो बाकी, अगर हम दूसरी इंडियन ऑर्डिनेंस की गन्स के बारे में कहें तो उनसे काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बेहतरीन है, इनकी बनावट बहुत बढ़िया है। और ये दोनों, ये जो कंपनी की गन्स हैं ये नॉन इजेक्टर आती हैं, ये विद इजेक्टर बिल्कुल भी नहीं आती। गोलियां चलाने के बाद ये यहाँ तक बाहर आएंगी, उसके बाद आपको खींचनी पड़ेंगी। तो ये आप देख सकते हो, और इनको लेने के लिए आपको कोई भी, मतलब आपको ये गन्स जो हैं ये ब्रांड न्यू तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, कोई भी गन आपको मिलेगी ओल्ड सेकेंड हैंड ही मिलेगी, कोई भी इनको नहीं कह के बेच भी नहीं सकता। तो कोई भी गन होती है जो कि पुरानी होती है तो उसके लाइसेंस के ऊपर भी ओल्ड सेकेंड हैंड लिखा जाता है। बहुत लोगों का ये भी होता है कि कोई पुरानी गन तो नहीं हमें बेचता, तो ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई गन आपको सेल कर रहा है और अगर वो गन पुरानी है या किसी और के लाइसेंस पे चढ़ के दोबारा से आपको चढ़ रही है तो उसके साथ आपके लिखा जाता है ओल्ड सेकेंड हैंड, और जो ब्रांड न्यू होती है उसके ऊपर वो ओल्ड सेकेंड हैंड नहीं लिखा जाता। बाकी
बारह बोर में और भी मैं और इम्पोर्टेंट गन्स भी लेके आऊँगा, आप मेरे साथ बने रहिए। और भी एक्साइटिंग सी चीज़ें आने वाली हैं इस चैनल पे, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। और आई डोंट नो, लोग कहते हैं कि इट्स इंडियाज बेस्ट गन व्लॉगिंग चैनल, तो भाई होगा, आपको ज़्यादा पता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वन।